सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में इतना डिस्टर्ब हो गया और स्पेशली हमारा वर्किंग फैटर्निटी में स्पेशली अमंग द एम्प्लॉय में इतना डिस्टर्ब हो रहा है, वो पॉइंट को लेके कौशप ने 4 मार्च 2023 में गवर्नमेंट के सामने में एक टू प्रोप्रिंट मीडिया एक टू रिक्वेस्ट रखा था कि जितना भी जल्दी हो सके उसको प्री एनपीआर एंड टाइम बाउंड मैनर में केस को इन्वेस्टिगेट करना है और जितना भी हमारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हमने रिक्वेस्ट किया था कि उसको ये जो टूबी गंगा का केस को प्री एनपीआर एंड टाइम बाउंड मैनर में करना है करके मैंने प्रिंट मीडिया के थ्रू दिया था कोर्ट में उठाया। तो आज तक 1 महीना 10 दिन लगभग हो गया, 1 महीना 10 9 दिन हो गया आज का तारीख तक जिस दिन से मैंने वो सब ने ये मांग रखा था उसे लेकर आज का तारीख तक 1 महीना 10 दिन हो गया। तो ये पॉइंट को लेके आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी वो सब फिर से 2-3 पॉइंट रखा है। एक पॉइंट है हमारा और जो एजुबी घंटा का केस को लेके और दूसरा जो हमारा सर्विस निकल को लेके। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा गवर्नमेंट से एक तो हमारा अपील है और हम गवर्नमेंट को हम स्ट्रॉन्गली हम अर्ज करते हैं कि उसका भी फेब्रुअरी 20 से लेके उसका इंटायर एपिसोड लगभग 2 महीना ज़्यादा हो गया, लगभग 3 महीना हो गया। तो ये वाला हमारा सर्विस रूल का हिसाब से बोलने से फंडामेंटल रूल 54B(2) वहाँ रूल ये बोलता है कि व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द सस्पेंशन डाइस बिफोर द डिसिप्लिनरी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम और हर आर कंक्लूडेड सच प्रोसीडिंग वुड टर्मिनेट एंड एबेट बाय रीजन ऑफ बीइंग डेड The period between the date of suspension and the date of death will be treated as a duty for all purpose. His family member will be paid the full pay and allowances for that period to which he would have been entitled and had not been suspended subject to the adjustment in respect of subsistence allowances already paid with eligibility for family pensions, death gratitude, इन केस में तो फ्री ईटीसी एज एडमिशन। तो यानी सर्विस रूल का जो हमारा सीसीएस सर्विस रूल का जो फंडामेंटल रूल 54B ने जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो प्रोविजन है मैंने वो हमने आप लोगों को भी दिया है अभी जैसे मैंने पढ़ दिया है उसके तहत कोई भी एम्प्लॉय अगर वाइल इन सस्पेंशन में मर जाता है उसको इमीडिएट रिवोक कर रहे हैं। इमीडिएट रिव्यू करने के बाद में उस सस्पेंशन को रिव्यू करने के बाद में उस फैमिली मेंबर का भी डिक्रीज पर मतलब कोई भी हो उस एम्प्लॉयड का फैमिली का डिक्रीज का फैमिली मेंबर को जो भी बेनिफिशियरी मिलता है जो भी अलाउंसेस एंटाइटलमेंट एडमिसेबल होता है सर्विस रूल के तहत उसको ये सबसे दे देना है। लेकिन आज तक जैसे मैंने बोला कि लगभग 3 महीना हो गया इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी स्टेप नहीं होता जाए इसलिए फैमिली इतना प्रॉब्लम होगा इकोनॉमिकली मेंटली एगो नहीं जा रहा है उसका ऊपर में फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम। तो अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को ये रूल के तहत ये प्रोविजन के तहत अगर उसका केस को रिवोक करके जितना भी इंटाइटलमेंट हो इमीडिएट करना है ये हमारा जितना भी बींग है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एम्प्लॉयड अरुणाचल प्रदेश इज कौशप हम गवर्नमेंट से हम अपील करता है कि इस केस को तुरंत बताया जाए वो उसका केस को रिवोक किया जाए और रिवोक करके उसका जितना भी इंटरव्यू दिया जाए। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बोला कि 4 मार्च का जो भी प्रिंट मीडिया में मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसके तहत मैंने ये बोला था कि जितना जल्दी हो सकता है इसका केस को प्री एनपीआर टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेट करना है हम बोला था। आज भी हम फिर से आप लोगों के माध्यम के द्वारा मैं गवर्नमेंट को अपील करता हूं कि उसका केस को प्री एनपीआर टाइम बाउंड मैनर इन्वेस्टिगेट कीजिएगा
उसके बाद में एक टू लॉजिक कंक्लूजन ला दीजिएगा बिफोर द पब्लिक एंड फैमिली को जस्टिस दीजिएगा बोल के गवर्नमेंट से मेरा ये अपील है। उसके बाद में ये जो हम जितना मैंने पॉइंट रखा उसको मैंने गवर्नमेंट को मेमोरेंडम सबमिट करके आया है चीफ सेक्रेटरी को, और आई होप चीफ सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विल नॉट टेक दिस केस सीरियसली कि हम जितना मांग कर रहे हैं उसको इमीडिएट एक्शन लेगा बोल के हम उम्मीद करते हैं, स्पेशली ये टुमी लंका का केस को लेकर। और हम क्यों उसको सीरियस ले रहे हैं बोलने से, बिकॉज उसका केस को लेके जिस तरीका से उसका मैसेज दिए हुआ आज तक कुछ प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला है, तो उसको लेके हम लोग जितना भी इंप्लॉय फैटर देते हैं हम भी बहुत सीरियस है और हम भी बहुत चिंता है। तो इसके लिए एटलीस्ट केस टू जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को या भी होम डिपार्टमेंट या पुलिस एजेंसी जो भी हो उसको करते रहने दीजिए, बट इन जो उसको बेसिक बेनिफिट मिलना चाहिए उसको इमीडिएट करना है। उसके बाद साथ ही साथ एक टू ये डीपीसी को लेके डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी होता है, ये डीपीसी को लेके 2021-22 में सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था कि देयर शुड बी ए डीपीसी ट्वाइस इन ईयर, हाफ ईयरली डीपीसी होना है बोलके बोला है, और उसको लेके हमारा कोषक ने डे वन से कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट का साथ में हमने परस्यू किया, और आफ्टर लिसनिंग आवर रिप्रेजेंटेशन आवर डिमांड गवर्नमेंट है नोटेड एंड कैबिनेट के द्वारा उसमें ऑर्डर ये दिया था कि साल में कम से कम दो बार डीपीसी होना है। लेकिन देखा गया है कि आज का तारीख में कोई कोई डिपार्टमेंट में 3-4 साल हो गया डीपीसी नहीं भेज रहा है, और कोई कोई एम्प्लॉयड को जिसको उसको प्रमोशन हो जाने के लिए पूरा हर क्राइटेरिया को फुलफिल होके बैठा हुआ है, वैकेंसी होके बैठा हुआ है, डीपीसी नहीं होने का कारण से उसका करियर में भी असर हो रहा है, और डीपीसी प्रॉपर नहीं होने के कारण से कोई जूनियर एम्प्लॉय सीनियर को ही चला रहा है, तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसके चलते कोई कोई सीनियर एम्प्लॉय डिमोटिवेट होता है, इंट्यूजिज्म नहीं होता है सर्विस करियर में, उसको लेके हमने देखा, और उस चीज को देखने के बाद में गंभीरता लेते हुए सरकार को मैं फिर से अपील करता हूँ कि उस चीज को अब इमीडिएटली कंडक्ट कीजिएगा डीपीसी। और साथ ही साथ हम लोग अभी कितना उस डीपीसी को कितना कौन सा डिपार्टमेंट अब तक कितना स्टेज देगा उसको भी आने वाला समय में हम परस्यू करेंगे, गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करेंगे, अभी तक कितना किसको एक्शन दिया है, किसको उस डीपीसी का हिसाब से कौन कितना है उसको भी हम गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करेंगे। ये दो मुद्दा लेके आज आपको सामने में आया, और सरकार को वही अपील करना है कि स्पेशली टुमी लंका केस को इमीडिएटली सस्पेंशन को रिमूव करके उसका इंटरटेनमेंट को देना है, तो ये मेन मुद्दा है, और डीपीसी का इशू को लेकर दो पॉइंट है। ये गलाव वेलफेयर का एक मतलब थोड़ा नाराजगी है कि एज ए एम्प्लॉय फैमिली आप लोगों ने मतलब टुमी लंका का डेथ होने के बाद भी एक ये भी एक कंडोलेंस मैसेज भी ये नहीं किया है, तो इसके बारे में आपको क्या कहें? ये जीडब्ल्यूएस का जो जनरल सेक्रेटरी का उस दिन का रैली में सबको क्वेश्चन किया वाला को हमने देखा है, और उसके बाद हमारा व्हाट्सएप कोसप का व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोसप को ट्रोलिंग भी किया गया है। लेकिन ऐसा है ये तुम्ही गंगा का केस जो है बहुत सेंसिटिव केस है, तो तुम्ही गंगा एक अंडर सेक्रेटरी था एपीपीएससी में और उसका असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन था, तो जितना वहां में ऑफिसर्स जो दाऊद था पेपर लीकेज इशू में वो सब अंडर सस्पेंशन में है। तो आप लोग देखिए तुम्ही गंगा भी एक कोसप का मेंबर है जिसको इन लोग एक्यूज कर रहा है वो भी कोसप का मेंबर है, और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो भी कोसप का मेंबर है। अब ये नहीं बोल रहा है कि जिसको एक्यूज कर रहा है और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इन लोग को कोसप सपोर्ट करेगा, कोसप जो गलती है किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगा, और कोसप
आज तो चुपचाप नहीं बैठा है, हम लोग इसको लेके एक एक्सटेंडेड मीटिंग भी हम लोग सारा एपीपीएससी पेपर लीकेज का इशू पे वो सब का एक्सटेंडेड मीटिंग भी कॉल किया है, उसमें भी हम थोरली डिस्कस किया है। उसका बाद में हमने ये डिसाइड किया है अब अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हम दो तीन बार जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कैपिटल का एसपी है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको भी हम मिल चुका है। तो अभी तो कितना इन्वेस्टिगेशन हुआ का जो पुलिस का जो स्पोकपर्सन का जो मीडिया रिपोर्ट था वो सबको हम भी कलेक्ट किया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो इन्वेस्टिगेशन का समय में जो कंप्यूटेशन चीज है इंडिया पुलिस को भी हमको शेयर किया है, लेकिन हम उसको जो कंप्यूटेशन चीज को बाहर में हम लोग नहीं ला सकता है, पुलिस को हम लोग नहीं बताया। तो इसलिए ये जब तक ये केस जो है इन्वेस्टिगेशन पोर्शन में है आप ओपनली नहीं आ सकता है किसी का भी सपोर्ट में या किसी का अगेंस्ट में, लेकिन हम इसलिए आज यहाँ पे आया है। हमने दो दिन पहले भी मीटिंग किया है ये का केस का सिलसिले में, उसमें डिसाइड किया है कि ओसाप जो है ये जो बेनिफिट है फैमिली को, ये जो बेनिफिट है उसको जैसे भी इंडेमनिटी दिलाना है। इसलिए हम रूल को भी देखा है जैसे प्रेसिडेंट बताया एज पर एफआरपीटी 4D जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिसका ऊपर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो या कोई भी इंक्वायरी चल रहा हो अगर वो डेथ हो जाता है ऑटोमेटिकली सारा केस जो है ड्रॉप हो जाता है, और जो सस्पेंशन पीरियड था उसको भी दवती में माना जाता है, और जो सैलरी है उसको जो पहले दे रहा था उसको डिडक्ट करके उसको फुल सैलरी देना पड़ता है, उसका जो डेथ ग्रेच्युटी है लीव एंगेजमेंट और फैमिली पेंशन को इमीडिएटली उसको देना है। इसलिए अब आज लिखित में स्ट्रॉन्गली गौसम ने डिमांड किया है चीफ सेक्रेटरी को थ्रो कंसर्न उसका कंसर्न डिपार्टमेंट उसको इमीडिएटली सॉल्व करे, और उसके बाद भी हम गौसम जो है चुपचाप नहीं बैठ देंगे, हम फॉलो कर रहे हैं केस को। अब इसलिए ओपनली नहीं आ रहा है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन है, उसमें हम ये भी नहीं बोल सकता जैसे कि जिधर हुए उसका डिमांड है ये जो है कंप्लीटली मर्डर है, हम आज इसको मर्डर है सुसाइड है हम डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। इसलिए एक क्वेश्चन था ये जैसे कि सस्पेंशन में उनका डेथ हुआ है तो जो बेनिफिशरी है इसमें कुछ कटाव तो नहीं होगा, मतलब पूरा फुल बेनिफिशरी मिलेगा, फुल बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अगर वो गलती भी था उसका फैमिली का तो कोई गलती नहीं होता है, तो फैमिली को जो बेनिफिट मिल रहा है उसको 100% मिलेगा। थैंक यू। जहाँ तक एक तो अभी हमारा मीडिया फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है कि लालू वेलफेयर सोसाइटी इज नॉट हैप्पी विद कोसाप एंड एज पर देयर ओपिनियन दैट कोसाप इज नॉट एक्सटेंडिंग शोइंग एनी सॉलिडरिटी सपोर्ट। यस ऑफ कोर्स आई टू सीन दैट स्टेटमेंट गिवन बाय द रेस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द लालू वेलफेयर सोसाइटी। एज आई सेड अर्लियर दैट we have noted this incident very seriously and after present with the case my secretary general has extended doubt we had a federal meeting, federal means pro cosa, we invited all the federating unit of our other employee fraternity like civil service officer association, engineering association, doctor associations, we had a federal meeting and after thorough discussion we unanimously condemned from media, print media, ki whatever happened that was very unfortunate, and we express our deep condolence about the incident and loss of the life, and there itself I strongly urge the government ki investigation should be free and fair. If any of the our employee, I mean state employee, is likely to be involved in play, you know, role play game में, in murdering or in suicide, अगर ऐसा होता है तो उसको भी बक्सा नहीं जाना चाहिए, उसको भी एक्शन लेना चाहिए, provided प्रमेय पे सी evidence होना है, सब ये उसका proof होना है, ये मैंने clear कर बोला था, और जहाँ तक दालों में पर society का GS का बात है, मैंने कुछ नहीं बैठा, unfortunately हमारा जो statement media जो दिया है, print media में दिया है,
उसको शायद उन लोगों ने नहीं देखा या देख के उसको शायद ख्याल नहीं आया होगा प्रोबेबली। अगर इफ रियली दे वर अनसैटिस्फाइड एंड डिससैटिस्फाइड विद दैट स्टेटमेंट कि हाँ हम लोग ये चाहता है, ऐसा है, क्या है, कैसे है, कुछ जरूरी है, अगर डिस्कशन करना चाहिए तो सब कुछ इन्वॉल्व इन दिस एंड दैट वे, अगर ऐसा भी अगर ओपिनियन शेयर करना चाहता चाहे तो अगर वो सोचता था तो कर सकता था। आज तक आई एम नॉट रिसीव एनी सिंगल कॉल फ्रॉम गलो एक्टर सोसाइटी। और अगर हमारा साथ एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, हमारा सेक्रेटरी जनरल हिमसेल भी वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द गलो कम्युनिटी, उनको भी कॉन्टेक्ट करके अपना ओपिनियन शेयरिंग जो कुछ सकता था वो भी नहीं था। देट वॉज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट कम्युनिकेशन गैप। और देट डजंट मीन कि हमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके वो सबको ये करो वो करो करेगा, हम सजेशन कर लेंगे करेगा, ये बोल के नहीं है। बट इवन इफ वी रिसीव एनी काइंड ऑफ अपील और रिक्वेस्ट, डेफिनेटली वी विल गो थ्रू दैट अपील एंड रिक्वेस्ट। इफ दैट अपील एंड रिक्वेस्ट इज पर्सुएबल एंड इट कैन बी टेक अप थ्रू कोसर, देन वी विल डेफिनेटली टेक अप। अगर नहीं होते तो हम लोग नहीं करेंगे। Because as I said, the concept is issue-based organizations, while taking up the matter, first we probably go through the issues, then we take up the issues. वही था इसमें कोई भी not only the law enforcement society या कोई भी organization उसको ये communication gap को लेके ये नहीं किया वो नहीं किया ऐसा misunderstanding नहीं होना चाहिए। जहाँ तक family को उसमें बोला कि family को भी visit नहीं किया ऐसा बात नहीं है। Family जहाँ जो हमारा अध्यक्ष टूबी गंका का फैमिली पी सेक्टर में रहते हैं, हम भी पी सेक्टर में, हम एक तो भरोसी भी है, तो उस इंसिडेंट समय में आई सिंसियरली अटेम्प्ट ट्वाइस टू विजिट द डिकीज फैमिली। तो वहाँ में उस समय में उसका गांव में क्या है तो पूजा कुछ फॉर्मेलिटी है सब कुछ अपना लोकल फॉर्मेलिटी है वो के नहीं मिल पाया। उसके बाद में और एक बार गया है तो आदमी नहीं मिल पाया है तो ज़्यादा गैप हो गया तो हम नहीं जा पाया था। उसमें ये है वो उनके सोचना नहीं है। मैं इतना भी हमारा रेस्पेक्टेड गलो वेलफेयर सोसाइटी का जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो भी ऐसा और उसमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए।